मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक और आज बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। और हमारे साथ हैं एडवोकेट ताहिर साहब। ताहिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। ताहिर साहब, आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक काफ़ी चर्चे में है क्योंकि इसको एक तरह से पॉलिटिकल चेहरा भी दिया जा रहा है अपने फ़ायदे के हिसाब से, तो इसमें आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, बेसिकली जो अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस तरीके से यूज़ कर रही है कि 2024 में इसको एक नया पार लगाने के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को यूज़ कर रही है। और जैसे कि आपको मालूम है कि ऑलरेडी लॉ कमीशन ने लोगों से सजेशन मंगाया और जो 14 जून के बाद, और सजेशन का पीरियड भी 30 डेज के लिए है। तो एक इन्होंने जानबूझ के एक ऐसा दिखाने के लिए एक कि भाई हम लोग बहुत डेमोक्रेटिक वैल्यू में रहते हैं, सजेशन करके एक प्रोसीजर ऑलरेडी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक्सप्रेस कर दिया इंटेंशन कि भाई दो इंडिया, एक इंडिया में दो लॉ नहीं रह सकते बोल। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ ये प्रोसीजर एक आई वॉश है और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया हमें क्या करना है बोल। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बेसिकली कि जो हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, और थैंक गॉड जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये जो इस तरह के जो लोग थे, फंडामेंटलिस्ट लोग या इस तरह के कम्युनल लोग सिस्टम में नहीं थे। तो इसके लिए उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए हमारे जो जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं उन्होंने इस पूरी बातों को ध्यान में रखा। इसी के लिए उन्होंने आर्टिकल 44 को क्या किया, वो डायरेक्ट प्रिंसिपल बनाया, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को गवर्नमेंट कोशिश करनी चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की। और जो दूसरी जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि राइट ऑफ चॉइस, जो कि राइट ऑफ लाइफ का एक हिस्सा है, उसे फंडामेंटल राइट बनाया आर्टिकल 21 में। और ऐसी राइट ऑफ रिलीजन जो कि इस लोगों को राय देता अपने आप से मतलब चलाने को मानने की, तो ये आर्टिकल 25 के अंदर ये एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो अब आप समझिए, आपको देखिए इंडिया में हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म, जैसे हम यूनिफॉर्म बोलते हैं तो क्या लगता है कि भाई कि मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे हैं या मुसलमानों को टारगेट करके बात कर रहे हैं या हम लोग बहुत अच्छे मुसलमान बुरे हैं बोल के ऐसा करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए दो तरीके से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इंडिया के अंदर एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ भी है, जो शरिया का जो लॉ है पनिशमेंट का वो नहीं एप्लीकेबल है। वो कौन सा एप्लीकेबल है, यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ। और किसी को कुछ परेशानी है क्या उसमें जी? सब लोग मान रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि उस लॉ से कौन इफेक्ट होगा, जो गुनाह करेगा वो इफेक्ट होगा क्रिमिनल में। अब समझिए, अब यूनिफॉर्म सिविल लॉ, तो यूनिफॉर्म सिविल लॉ जो है क्या है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और रोजमर्रा की यूनिफॉर्म सिविल कोड में कौन कौन से लॉ आएंगे, हमारी शादियों से रिलेटेड हमारे आएंगे, मैरिज, डाइवर्स, अडॉप्शन और सक्सेशन, ये चार चीज़ें क्या होती हैं इसमें अंदर आती हैं। ठीक है, अब आप समझिए कि अब ये जो पूरा जो सिविल लॉ है ये कहाँ से जर्मिनेट होता है, ये मैरिज से जर्मिनेट होता है। ठीक है, अब जो मैरिज होती है, मान लीजिए अगर दो हिंदुओं की मैरिज हुई तो उनके जो पर्सनल लॉज हैं वो माने जाएंगे। अब एक दो मुसलमानों की मैरिज हुई तो उनके पर्सनल लॉ को लोग अप्लाई करते हैं, वो सब करते हैं। अब एग्जाम्पल बन जाइए, अब जैसे कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड हम बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड में तो जाएंगे जो भी मैरिज रिचुअल्स हैं, जो हिंदू जो मैरिज रिचुअल्स करते हैं, इसमें सात फेरे, मंगलसूत्र, या मुसलमान जो मैरिज रिचुअल करते हैं, खुतबा और दो गवाहों की मौजूदगी, ये सब खत्म करके क्या एक ही आप मैरिज रजिस्टर मैरिज सिविल मैरिज में हो जाएंगे, सब लोग मान जाएंगे, ये इम्पॉसिबल चीज़ है। और इसमें सोसाइटी को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। जैसे दूसरी एक, जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदुओं की प्रैक्टिसेस के बारे में, इसमें एक और आप मान लो मैरिज में प्रैक्टिस है हिंदुओं की, जिसमें क्या है कि सर्टेन डिग्री तक वो मैरिज नहीं कर सकते हो। जैसे मुसलमानों में क्या होता है, कजन्स के भी अंदर मैरिज अलाउड है। हिंदूज में जो नॉर्थ इंडिया के जो हिंदूज अप्लाई करते हैं उनमें क्या है कि तुम जो कजन्स के अंदर एक प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर तुम शादी नहीं कर सकते, बल्कि वही रूल क्या है साउथ इंडिया के हिंदुओं के अंदर नहीं अप्लाई है, वहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं उस चीज़ को। आपने देखा होगा यहाँ पे कर्नाटका के अंदर मामा की भांजी की शादी होती है, बल्कि वो नॉर्थ इंडिया वो प्रैक्टिस में नहीं है। अब आपको समझिए, अगर यूनिफॉर्म सिविल लॉ बन गया तो ये सब क्या क्या होगा उसमें, जैसे मुस्लिम में मैरिज के अंदर, ये कजन्स के अंदर मैरिज अलाउ, क्या हिंदुओं के अंदर भी होगी वो? तो जो उनका जो पर्सनल जो उनका लॉ है कि प्रोहिबिटेड डिग्री का, विल एप्लीकेबल और नॉट, क्या हिंदू लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे क्या? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया है सोसाइटी, जो हमारे जो फेमर्स हैं, जो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने लॉ बनाया, उन्होंने इसको बहुत ही सोच समझ के, जो पहली गवर्नमेंट थी जो कि लेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बहुत सोच समझ के एक लॉ बनाया था, स्पेशल मैरिज एक्ट। तो उस स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या था कि कोई भी आदमी अगर किसी को अपने पर्सनल लॉ पसंद नहीं है, हो सकता है किसी, और मैं देखा हूँ अभी भी बहुत सारे लोगों वीडियो आते हैं मुसलमानों के, लड़कियों के ऐसा नहीं होना चाहिए, मुसलमान ऐसा तलाक नहीं होना चाहिए, मुसलमान वैसा होना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बोल के आता है ना। हाँ। अब जिनको ऐसे लोग जिनको पसंद नहीं है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो अपनी चॉइस है। देखो, अगर मैं किसी को पसंद नहीं, इसका मतलब वो नहीं, वो बुरा है, उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है।
जैसे जिन लोगों को भी आपको पसंद नहीं है अपने पर्सनल लॉ, चाहे वो हिंदू पर्सनल लॉ हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, चाहे क्रिश्चियन पर्सनल लॉ हो, इवन सिख पर्सनल लॉ, उनका भी एक पर्सनल लॉ है आनंद मैरिज लॉ एक्ट 12 के। अब ये जो है जिनको ही पसंद है वो क्या करें, अपनी मैरिज क्या करें, स्पेशल मैरिज एक्ट कितनी कर लें। तो जैसे ही उनकी मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर होगी तो जिनके जो ही पर्सनल लॉज है उनके वो पूरे सीज हो जाएंगे। तो जो भी उसके बाद जो भी आपके पर्सनल लॉ जो का जो आपके रिचुअल्स रहेंगे आगे, पर्सनल लॉ की जो प्रैक्टिस रहेगी, आपकी जिंदगी की जो प्रैक्टिस रहेगी, उसमें आपके जो लिबरल जो सेकुलर लॉज हैं वही अप्लीकेबल होंगे। आपको अगर पार्टीशन करना है तो आपको लड़का लड़की को इक्वल शेयर मिलेगा। अगर आपको तलाक लेना है तो आपको जैसे इस्लाम में आराम से तलाक हो जाता है वैसा नहीं होगा, आपको क्या जाएगा कोर्ट में जाके करना पड़ेगा आपको तलाक। तो ये सारी चीजें हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, आज भी एक चीज में खाली पूछ लूं कि आज भी बहुत सारे लोग हैं कि निकाह तो कर लेते हैं अपने, मगर मुस्लिम हैं या हिंदू जो अपने हिसाब से, उसके बाद जाके कोर्ट में रजिस्टर करते हैं, कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं। तो ये बताइए कि जब कोर्ट मैरिज कर लिए तो ये वही हुआ कि इनडायरेक्टली पर्सनल लॉ ये सीज हो जाते हैं, सीज हो जाते हैं। देखिए जैसे ये लोगों को नादानी की वजह से कर लेते हैं, जैसे आपने पर्सनल लॉ अपने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर मैरिज कर ली तो जो भी तुम्हारे पर्सनल लॉ है वो पूरे सीज हो जाएंगे, चाहे तुम निकाह बाद में करो चाहे पहले करो। अगर आपको तलाक लेना है तो आपको क्या नाम होगा, कोर्ट के अंदर ही जाके तलाक लेना पड़ेगा जी। आपको अगर प्रॉपर्टी को डिवाइड करना है तो जैसे इंडियन सक्सेशन एक्ट में जैसे प्रॉपर्टी डिवाइड होती है वैसे ही डिवाइड होगी। तो ये सब सीज हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, देखिए यूनिफॉर्म सिविल लॉ वन अदर फॉर्म में इंडिया में अवेलेबल है और ये क्या है, एक हार्मोनाइज पोजिशन है जिसमें फंडामेंटल राइट जैसे राइट ऑफ चॉइस और राइट ऑफ रिलीजन इसको बैलेंस करके एक ये मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट है। तो जिनको भी पसंद नहीं है किसी वजह से, उनकी वजह हो सकती है ठीक है, तो इसमें हमें उनको कमेंट करने जरूरत है, उनकी अगर किसी वजह से उनको अनकंफर्टेबल है किसी पर्सन, तो बेटर उनके लिए आइडियल क्या है, वो तो स्पेशल मैरिज एक्ट में अपनी मैरिज कर लें। उसके जो भी सेकुलर लॉज हैं, जो भी लिबरल लॉज जो समझते हैं वो लिबरल लॉज हैं और सही हैं, तो उसमें उनकी अपनी जिंदगी गुजारें। और अब इसमें मुझे अब जो प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखिए गवर्नमेंट को लोगों को एजुकेट करना चाहिए था कि भाई इंडिया में ऑलरेडी सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेशन में प्रोसीजर में है और लोग उसको सिर्फ और सिर्फ उनको क्या करना है अपनी मैरिज को स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर करना है। तो ये सारा जो डिस्कशन था कंट्रोवर्सी बढ़ती ही नहीं थी, मगर बजाय गवर्नमेंट क्या कर रही है उस इन्फॉर्मेशन को छुपा ले रही है, कंसील कर रही है और जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को क्या है प्रमोट कर रही है और बता रही है कि ऐसे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना है जिसमें मुसलमानों के लॉ नहीं बनेंगे, इसमें हिंदुओं के लॉ नहीं रहेंगे, पर्सनल लॉज नहीं करेंगे, हम यूनिफॉर्म सिविल लॉ बनाएंगे क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा होता है, दूसरा कंट्री में ऐसा होता है, एक कंट्री में दो लॉ कैसे हो सकते हैं। तो ये सारी एक बेकार की बातें हैं लोगों को गुमराह करने के। और मेरी एक रिक्वेस्ट है जो भी इसका अपोजिशन कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को, उनको अपोजिशन इसलिए मत करो कि हमें पसंद नहीं है या हमारे पर्सनल लॉ कुछ फर्क हो, उसका ओपोजिशन ये बोल के करो कि ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल लॉ इंडिया में इन्फोर्स्ड है, आपको सिर्फ करना है जिसको भी जो पसंद है वो अपने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर मैरिज करें और अपनी जिंदगी सेकुलर लॉ और यूनिफॉर्म लॉ और जो लिबरल लॉ के साथ गुजारें, और जो लोग पर्सनल लॉ से गुजारना चाहते हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करें। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ बोलो, आज तो चॉइस है कि अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि पहले से एक लॉ मौजूद है और पर्सनल लॉ एक है, लेकिन अगर कल यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाता है तो पर्सनल लॉ ख़त्म हो जाएगा। तो जब ख़त्म हो जाएगा तो अगर आपने उस लॉ के हिसाब से शादी किया तो अब आप प्रॉपर्टी तो डिवाइड होगी, वो फिर इंडियन लॉ के हिसाब से इंडियन सेक्शन एक्ट में होगी हिंदू, या फिर आप जो शरिया का जो हिस्सा है तरीके से बताया कुरान में, जो कुरान में शरिया का सिस्टम बताया वो उस तरीके से प्रॉपर्टी, तो ये बनने से नुकसान तो है ना। नहीं नहीं देखिए इस मतलब इसके बनने से क्या पर्सनल लॉ से नुकसान बोल रहे हो कि बनने से नुकसान है? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है तो डेफिनेटली ये मुसलमानों की जो शरिया का लॉ कुरान के हिसाब से प्रॉपर्टी बांटने की बातें हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, जिसे बताया ना जिसे हर मजहब के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिस रहती है, जैसे आपने बताया प्रॉपर्टी का डिवीजन, ऐसे हिंदुओं के अंदर भी एक कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिस है। जैसे मैंने आपको बेस्ट बताया कि प्रोहिबिटेड डिग्री में मैरिज, अज्यूम करें हमें तो प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी किसी को कम ज्यादा मिलकर चल जाएगा, पर हिंदुओं के बीच में अगर हिंदुओं के नौ जो हमारे मेजोरिटी कम्युनिटी हिंदुओं को अगर मालूम चल जाए कि भाई हमारी रिस्ट्रिक्शन जो प्रोहिबिटेड कंपनी जो प्रोहिबिटेड डिग्री का रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा, क्या हमारे हिंदू भाई उस पर को मानेंगे? पहले हमारा तो इशू की असेट्स को लेकर है, समझे नहीं, इनहेरिटेंस के ऊपर है, मगर क्या जब वो लोग उसको प्रोहिबिटेड डिग्री में मैरिज करने को तैयार होंगे क्या? अगर हमारे मेजोरिटी या पूरे जो मेजोरिटी भाई हमारे प्रोहिबिटेड डिग्री में मैरिज करने को तैयार हैं, तो मैं नहीं समझता किसी मुस्लिम को असेट के लिए होना चाहिए। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जितने भी जो पर्सनल लॉज हैं उनका एक अपना हिस्ट्री है, उनका एक अलग रीजन है, वो रीजन उनके लिए एक्सेप्टेबल है।
हिंदू, अगर हमारे हिंदू भाई अगर प्रॉविटी डिग्री में मैरिज नहीं करते तो उनका एक रीजन है और उनको एक्सेप्टेड है। हमने अगर शरिया लॉ में प्रॉपर्टी डिवाइड करने का हमने एक्सेप्ट किया है तो हमें वो रीजन है उसका, हमें एक्सेप्टेड है, हमें एक्सेप्टेड है। अब सवाल आते हैं जिन लोगों को एक्सेप्ट नहीं है, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे क्रिश्चियन भाई, उनको जिनको एक्सेप्ट नहीं, तो तुम हमको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो यार, तुम जाकर स्पेशल मैरिज एक्ट में मैरिज कर लो, लॉ तो है आपका, लॉ है ऑलरेडी। इसका मतलब ये नहीं कोई लॉ नहीं है, देखो प्रॉब्लम क्या होती है, गवर्नमेंट को कब एफर्ट करना चाहिए जहाँ पे कोई लॉ नहीं है, वेयर सच थिंग्स आर नॉट अवेलेबल। तो अभी लॉ है, आप बोल रहे हैं आप जो चाहिए आप ले लो, ले लो, आपके पास चॉइस है, तब चॉइस नहीं रहेगी, यही फर्क होगा। ये अब देखिए, ये आप सबको, हमको मालूम है पॉलिटिकल रीजंस, हम हर कोई हर एक आदमी को मालूम है, आप मोदी जी से पूछेंगे तो उनको भी मालूम है पॉलिटिकल रीजंस से होगा। मगर मेरी क्या रिक्वेस्ट है कि जो इसके अपोनेंट्स हैं, क्योंकि देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है, ठीक है। अच्छा मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजों के जमाने में भी स्पेशल मैरिज एक्ट था 1872 में, मगर उस मैरिज उस सिस्टम में, उस सिस्टम में सबसे बड़ा फर्क पता है क्या है, जो 1954 के स्पेशल मैरिज एक्ट में और 1872 के स्पेशल मैरिज एक्ट में सबसे बड़ा फर्क है, उस जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो भी कोई मैरिज करना चाहता था तो उसे पहले क्या था, अपने रिलीजन को छोड़ना पड़ता था। मगर ये जो 1854 का स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें उसको रिलीजन छोड़ने की कोई वो नहीं है, बंदिश नहीं है उसको, समझे नहीं, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। तो मेरी क्या रिक्वेस्ट है, देखिए आप लोगों को यूनिफॉर्म सिविल लॉ की जो गवर्नमेंट ने जो जो प्रोसीजर किया है ये अनफेयर प्रोसीजर है और गवर्नमेंट खुद मालूम है अनफेयर प्रोसीजर है, ऑलरेडी एक सिस्टम है यहाँ पर इंडिया के अंदर, पर फिर भी क्या है, एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए, लोगों को इंगेज करने के लिए, अपनी फेलियर को छुपाने के लिए लोगों को ये चीज़ें फेंकी है। तो मेरे जो ये लोग इसको अपोज कर रहे हैं, चाहे वो सेकुलर लीडर्स हों, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हों, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई भी कम्युनिटी के मेंबर्स हो, उनको इस तरीके से अपोज कीजिए कि भाई ऑलरेडी एक लॉ इन प्लेस है, स्पेशल मैरिज एक्ट इन प्लेस है ऑलरेडी। तो अगर किसी को भी अगर चाहिए उनको अपने, हमें इस पर्टिकुलर तरीके से अपने पर्सनल अफेयर्स को हमें डील करना है तो हम उस तरीके से करें। तो अभी चॉइस है, सिस्टम जो है सुकाई को डिस्टर्ब कर रहे हैं, चॉइस है, आप रहने दो दोनों के, आप एक चॉइस को खत्म करके सिर्फ एक करना चाहते हैं, उससे कुछ फायदा किसी और को, ये इट गोस डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टली विद आवर फंडामेंटल राइट्स। और हर कम्युनिटी को फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है सिर्फ मुसलमानों को, जैसे आपने बताया हिंदू क्रिश्चियन जिस सिख है सबको फर्क पड़ेगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, हम लोग मुसलमानों का, हम लोगों को टारगेट किया, हम लोग पंचिंग बैग है जी। अब पंचिंग बैग आप देखा, पंचिंग बैग किसको बोलते हैं, उसमें जाके तुम कितने मुक्के मारो उन्हें उफ भी नहीं करता। प्रॉब्लम क्या है हमारे, हम उफ नहीं करते हैं। नहीं तो बात यह है कि ये दिखाया जाता है कि मुसलमानों का करे वो नहीं, आपने बोला पॉलिटिकल बात है, तो पॉलिटिकल बातों में उलझा कर एक टाइप के वोटों को एक साइड करने का नहीं, उस सिंपल से आप उनको सिंपल से देखो, हर मुसलमान को क्या आर्गूमेंट करना चाहिए, भाई हमारा तो असेट्स का रिलेशन है, प्रॉपर्टी ये लड़की को कम मिलती है ज्यादा मिलती है, तुम्हारे यहाँ जो प्रोहिबिटेड डिग्री है मैरिज है, मेजोरिटी जो भी लोग और ज्यादा खतरनाक वो खतरनाक इट गोज टू ये उनको उनका रिलीजन को सीज कर देता है, रिलीजन के अगेंस्ट जाता है, रिलीजन को सीज कर देता है उनको। सही है, सही। अब आप समझिए क्या ये चीज हो सकती है, इट्स पॉसिबल, ठीक। अच्छा क्या हो सकता है गवर्नमेंट की यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ये हिंदू कोड इम्पोज करने की कोशिश कर रही है, ये हो सकता है क्या? तो ये सारी चीजें कोई जिसने इसको प्रपोज किया उनको भी मालूम नहीं है, जो इसका पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश कर उनको ही मालूम नहीं है, और जो इसको अपोज कर रहे हैं उनको ही मालूम नहीं है, ठीक। इसका एक अपोज करने का तरीका है, और अपोज करने का मेरी नजर में सही तरीका क्या है, लोगों को बताना है कि ऑलरेडी एक लॉ इन प्लेस है, उसका फायदा उठाओ, और जो लोग इसका चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो हम लोगों के बीच में डिवीजन मत करो, खुदा के वास्ते वो आप अपनी मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट में कराओ और एंजॉय करो अपने लॉ को, क्या है उसमें, ठीक है। ताहिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ताहिर भाई ने कहा कि देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ हाईलाइट्स डाले हैं, कुछ पॉइंट डाले हैं, अब आप इसको देखिए, अगर आपके भी दिमाग में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताहिर साहब फिर आके उसको क्लियर करेंगे। ताहिर साहब का कहना ये है कि ऑलरेडी दो लॉ है, अभी चॉइस है, आप ये चाहिए तो ये ले लीजिए, आपको ये चाहिए तो ये ले लीजिए, फोर्स मत कीजिए किसी भी रिलीजन को एक डायरेक्शन में जाने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।